लास्ट पार्ट की बात करें, ग्रुप डी की बात कर रहे हैं हम लोग अब। तो ग्रुप डी में आपके पास इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड, ये ग्रुप डी में रखा हो। इसकी स्ट्रेटेजी टोटली डिफरेंट होना चाहिए। सभी ब्रांच के लिए कॉमन सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो लगभग आपके पास 7 से लेकर 10 मार्क्स के बीच में आपके पास आएगा। लोग बोलते हैं कि 10 मार्क्स में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 7 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स के बीच में वेरी करता है। एक्जैक्टली ऐसा नहीं कि 10 मार्क्स आता है, मैक्सिमम टाइम 7 और 8 मार्क्स आए हैं, बट फिर भी आप मैक्सिमम 10 मार्क्स तक मान सकते हो। अब इसमें अगर मैं टॉपिक देखूँ आपके पास, तो हम इन जनरली बी में आपके पास M1 पढ़ते हैं, M2 पढ़ते हैं, M3 पढ़ते। तो जो अगर इंजीनियरिंग में अगर हम मैथमेटिक्स अगर अच्छे से पढ़े तो हम गेट का पार्ट भी बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, क्योंकि गेट में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाला पार्ट कभी भी इतना डिटेलिंग में नहीं है आपके पास कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाला पार्ट किसी के लिए टफ हो। इसमें अगर मैं टॉपिक की बात करूँ, देख सकते हो मैं टॉपिक में कन्वर्ट भी आपके पास सेपरेट भी किया हूँ। लीनियर अलजेब्रा पहला टॉपिक रखा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशंस रखा हूँ आपके पास, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, मैक्सिमा मिनिमा, मीन वैल्यू थ्योरम, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, लिमिट्स, सीरीज एक्सपांसन, प्रोबेबिलिटी, न्यूमेरिकल मेथड, लगभग 10 से 11 टॉपिक्स आपके पास रखा हूँ। इसमें से अगर मैं बोलूँ कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के फेवरेट टॉपिक क्या है, तो लीनियर अलजेब्रा सबसे फेवरेट टॉपिक है। इसमें आपके पास पूरा मैट्रिक्स का कैलकुलेशन होगा, आपको मैट्रिक्स का अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। पूरा मैट्रिक्स कैलकुलेशन है आपके पास, आपको मैट्रिक्स में एडजॉइंट क्लियर होना चाहिए, इन्वर्स क्लियर होना चाहिए, आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ क्लियर होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं आपके पास। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो आपको रैंक का आइडिया होना चाहिए, आपको सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस का आइडिया होना चाहिए कि कंसिस्टेंट इक्वेशंस क्या होता है, इनकन्सिस्टेंट इक्वेशंस क्या होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशंस क्या होता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस क्या होता है। लास्ट में अगर मैं बात करूं तो आइगन वैल्यूज़ क्या होता है और आइगन वेक्टर, जैसे कि एग्जाम में हर साल लगभग आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर से क्वेश्चन आते हैं, तो आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर को आप कवर करो। तो लीनियर अलजेब्रा वाले पार्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं बोलूँ तो सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोबेबिलिटी है। बिल्कुल आप प्रोबेबिलिटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों इग्नोर नहीं कर सकते? प्रोबेबिलिटी आपको एप्टीट्यूड में काम आने वाला है। प्रोबेबिलिटी जब आप सिग्नल सिस्टम का जो रैंडम वेरिएबल वाला जो पार्ट था वहाँ पे प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, तो प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट को बिल्कुल आप फोकस करके प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट को रेडी कीजिए। क्योंकि मैं क्या बोला, आपको एप्टीट्यूड में काम आता है, एप्टीट्यूड में भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी आपके पास कॉइन या डाइस का कोई क्वेश्चन था, तो एप्टीट्यूड वाले पार्ट में भी प्रोबेबिलिटी आपको काम आने वाला है। सिग्नल सिस्टम में रैंडम वेरिएबल वाले पार्ट में जब आप स्टार्ट करोगे रैंडम वेरिएबल पढ़ना, तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट ही आपको काम आएगा। और प्रोबेबिलिटी या मैथ्स में तो है ही, तो प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट को आप अच्छे से कवर करें। और प्रोबेबिलिटी में भी ना बेसिक वाले पार्ट को अच्छे से कवर करें कि मल्टीप्लिकेशन रूल्स क्या होता है, एडिशन रूल क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी वाले वो वाले पार्ट को कवर करें। बहुत ज़्यादा आगे आपको पॉइजन्स या आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका बेसिक एप्लीकेशन क्लियर है तो भी काफ़ी है, उसमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपके पास कॉइन पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, आपके डाइस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो ये सब चीज़ को आप कवर करें। आपके कार्ड पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो ये सब चीज़ बेसिक वाले पार्ट को कवर करें। इवन आपके पास आप 11-12 में अगर प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे तो उससे भी ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन नहीं आता, वैसे ही क्वेश्चन आता रहता है। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को आप कवर कर लें। फिर बाकी टॉपिक की बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन नॉर्मली एक इंजीनियर स्टूडेंट का अच्छा होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का हमको बहुत अच्छा आइडिया होता है, इसको बहुत जल्दी हम कवर कर सकते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, इस वाले पार्ट को कवर करें। वेक्टर कैलकुलस किस रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है कि जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी वेक्टर कैलकुलस कॉमन चीज़ था। इसका मतलब है यहाँ पर भी आपको ग्रेडियंट पढ़ना है, यहाँ पर भी आपके पास डाइवर्जेंस पढ़ना है, यहाँ पर भी आपको कर्ल पढ़ना है। अगर आपके पास कर्ल फ्री की बात करूँ मैं आपके पास, दैट मीन्स द इररोटेशनल वेक्टर की बात करूं तो सेम आपके पास वेक्टर कैलकुलस का कंसेप्ट और ईएमटी का कंसेप्ट सेम है। अगर मैं डाइवर्जेंस 0 होता है बोल रहा हूं, मैं सोलेनाइडल वेक्टर की बात कर रहा हूं, तो यहां पे भी कंसेप्ट सेम, वहां पे भी कंसेप्ट सेम। तो वेक्टर कैलकुलस को जब भी आप पढ़े थोड़ा ईएमटी से रिलेट करते हुए पढ़े कि ईएमटी में हम क्या पढ़ रहे थे और यहां पे क्या, क्योंकि दोनों जगह मैक्सिमम टॉपिक सेम है। यहाँ पे आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर वाला पार्ट थोड़ा सा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा देखना पड़े। डायरेक्शनल डेरिवेटिव करके एक टॉपिक होता है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा होता है। हम ईएमटी में डायरेक्शनल डेरिवेटिव नहीं पढ़ते, बाकी मैक्सिमम चीज़ें कॉमन है। लाइन इंटीग्रेशन या सरफेस इंटीग्रेशन का कंसेप्ट, इवन ईएमटी में तो हम लोग सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी डील करते हैं। मैथ्स में किसी को सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम डील नहीं करना होता है, मैथ्स में आपको सिंपल रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डील करना होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा। इंटरेस्टिंग है आपके पास, मैक्सिमा मिनिमा आपको पढ़ने में मजा भी आएगा आपके पास, और मैक्सिमा मिनिमा बहुत जल्दी कवर भी हो जाता है। मीन वैल्यू थ्योरम को आपको एक ही बार रीड करना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कभी आते नहीं, एक आधी बार कोई क्वेश्चन आया, आज तक 3-4 क्वेश्चन ही आज तक फ्रेम हुए। ये सिंपल टॉपिक है इसलिए इसको अच्छे से कवर कर सकते हो। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में भी रेसिड्यू थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में रेसिड्यू थ्योरम वाले पार्ट को आप अच्छे से कवर करें। फिर लिमिट्स वाला पार्ट है, लिमिट्स नॉर्मली हमको आना चाहिए, लिमिट्स पे बेस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, वो आपसे सॉल्व होना चाहिए। सीरीज एक्सपांसन वाला आपके पास पार्ट इंपॉर्टेंट है कि इनफाइनाइट सीरीज वाला पार्ट जो होता है, चाहे टेलर सीरीज हो आपके पास, चाहे मैक्लेरियन सीरीज हो, तो सीरीज एक्सपांसन वाले पार्ट को आप एक बार अच्छे से रीड करें, आपसे सीरीज एक्सपांसन वाला पार्ट बन जाएगा। और लास्ट है आपके पास न्यूमेरिकल मैथड, इस पे बेस क्वेश्चन आते हैं आपके पास, जैसे न्यूटन रैप्सन की बात करूँ, ये फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते रहते हैं न्यूटन रैप्सन से बेस। इस बार क्वेश्चन में एक आर के मैथड से भी कोई क्वेश्चन आई थिंक आया था, जैसा आप देख लीजिएगा। तो न्यूमेरिकल मेथड वाले पार्ट को भी बहुत कम समय में हम कवर कर सकते हैं, चाहे सिम्पसन 1/3 रूल हो, चाहे आपके पास आर के मैथड हो या न्यूटन रैप्सन मैथड हो, तो न्यूमेरिकल मैथड वाले पार्ट को भी आप अच्छे से कवर करके रखे रहे। तो मैं बोला कि ये दो टॉपिक में आपके पास अच्छी कमांड होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी और लीनियर अलजेब्रा। इसके लिए अगर मैं टेक्स्ट बुक की बात करूँ कि रेफरेंस बुक आप क्या यूज करोगे, तो BS ग्रेवाल की एक बुक आती है, सभी लोग पढ़ते हैं उस बुक को, बट मेरे अकॉर्डिंग नीड नहीं है कि BS ग्रेवाल की बुक हम रीड करें, उसमें लेंदी क्वेश्चन दिए रहते और हमारे गेट में लेंदी क्वेश्चन नहीं आते, नॉर्मली क्वेश्चन आते रहते। तो BS ग्रेवाल नहीं भी पढ़ना है तो अगर मैं कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक बोलूँ, दूसरी कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक बोलूँ, तो आप HK दास, एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भाई HK दास आता है, उसको भी आप रेफर कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सी बुक है और क्वेश्चन भी गेट के ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, तो आप उस बुक को रेफर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि उस बुक से क्वेश्चन लेते होंगे, लेकिन सिंपल कंसेप्ट है, आप एक बार देख सकते हो। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए आपको और क्या करना चाहिए, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ एक एडवांटेज है कि कॉमन सब्जेक्ट है, हर ब्रांच में होता है। आपको इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ्स के, आपको इंस्ट्रूमेंटेशन के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको सिविल के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको मैकेनिकल के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको क्वेश्चन के लिए कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप प्रीवियस ईयर के जितने भी ब्रांचेस है सबके क्वेश्चन को प्रॉपर अप्लाई कीजिए, सभी के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, उतने क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आपका मैक्सिमम मैथ्स कवर हो जाएगा, आपको न्यू क्वेश्चन की नीड भी नहीं होगी। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास कि वो सब क्वेश्चन कैसे आएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं आपके पास, तो एक मैडीजी की बुक आती है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस अलग होंगे, इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन अलग होंगे। IN की उनकी बुक आती है, सिविल मैकेनिकल की बुक आती है, तो उनकी मैथ्स की बुक अगर आपको देखना है तो मैथ्स की बुक देख लीजिएगा। ACE अकेडमी की एक मैथ्स की बुक आती है जिसमें कि सिविल मैकेनिकल एक बुक में है, एक में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन का है, उस बुक को भी आप देख सकते हो। आपको ओवरऑल क्वेश्चन चाहिए कि पूरे क्वेश्चन कवर हो। इवन मैं अगर बात करूँ तो ये गेट एकेडमी की बुक भी आती है, इसमें पूरे ब्रांचेस के क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, PI, इवन केमिकल और बायोटेक्निकल वाले के भी हम क्वेश्चंस में पूरे कवर किए, इवन सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं कि आपको ये बुक की नीड है, बट फिर भी अगर आपको ये बुक देखना है, आपके पास आप किसी से बुक ले सकते हो, तो बिल्कुल इस बुक में आपको पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे, कोई भी मिसिंग क्वेश्चन भी नहीं, बहुत अच्छा खासा वर्कआउट किया गया है, ये आपके पास फॉर्मेट में सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो आप इस बुक को भी यूज कर सकते हैं। इवन मैं बताया भी कि आप ACE अकेडमी या जी की बुक को भी आप रेफर कर सकते हो, लेकिन आपको पूरे क्वेश्चन कवर करना है, आपको प्रीवियस ईयर के पूरे ब्रांचेस के पूरे क्वेश्चन कवर करना है, इतने में आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अच्छे से कवर हो जाएगा। विथ एनी टेक्स्ट बुक, कोई भी टेक्स्ट बुक आप रखिए अपने साथ, HK दास हो, BS ग्रेवाल थोड़ी लेंदी है इसलिए BS ग्रेवाल नहीं बोल रहा, अदरवाइज BS ग्रेवाल इज वेरी गुड बुक, बट गेट के लेवल के लिए मेरे को लेंदी क्वेश्चन की नीड नहीं है, इसलिए BS ग्रेवाल में रेफर नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट आपके पास सब्जेक्ट है और जो फिक्स है पूरे गेट में, वो है एप्टीट्यूड। इसमें आपके पास 15 मार्क्स के क्वेश्चन एकदम फिक्स है, 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ओवरऑल 10 क्वेश्चंस होंगे आपके पास, 1 मार्क के 5 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स के भी 5 क्वेश्चन होंगे, तो 15 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे। इसमें कॉन्ट के लिए बुक आती है एक, अभिजीत गुहा की आपके पास बुक आती है, इस बुक को आप रेफर कर सकते हो। DI और LR के लिए आपके पास लॉजिकल रीजनिंग के लिए एक अरुण शर्मा की बुक आती है, बुक को रेफर कर सकते हो। तो नॉर्मली एप्टीट्यूड हर कोचिंग में अच्छा पढ़ाया जाता है, इवन गेट एकेडमी में जैसे हम लोग डील करते हैं तो हम लोग भी बहुत ही अच्छे से डील करते हैं, है ना, सौरभ ठाकुर सर डील करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे फॉर्म में डील करते हैं। तो मेरे को लगता है कि मैक्सिमम कोचिंग में एप्टीट्यूड वाला पार्ट अच्छे से पढ़ाया जाता होगा, क्योंकि वो डेप्थ नहीं आता है एप्टीट्यूड में, बेसिक उनको चेक करना है कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के तो आपका एप्टीट्यूड कैसा है, तो एप्टीट्यूड वाले पार्ट को आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। हाँ, जिन लोग का इंग्लिश मीडियम है उन लोग के लिए थोड़ा सा वर्बल वाला पार्ट आसान होता है, जिन लोग का हिंदी मीडियम है वो इंग्लिश वाले पार्ट में थोड़ा सा उतना वर्कआउट नहीं कर पाते, तो मैथमेटिकल पार्ट तो आएगा ही आपके पास, तो मैथमेटिकल वाला जो पार्ट आएगा जैसे कॉन्ट वाला पार्ट है, तो वो एक हिंदी मीडियम वाला भी अच्छा कवर कर सकता है। तो अगर एप्टीट्यूड किसी का अगर बहुत अच्छा और वो 15 में से 13 या 14 मार्क्स अगर ला लेता है, मैथ्स में उसके पास 7 या 10 मार्क्स में से पूरे मार्क्स ला लेता है, तो अगर ये दोनों पार्ट्स में आप मैक्सिमम स्कोर कर पाते हो तो आप थोड़ा सा एडवांटेज में रहते हो बाकी के कंपेयर में, कि आपको टेक्निकल में से अब स्कोर करना है, तो अगर इन दो सब्जेक्ट में आपकी अच्छी कमांड है और आप अच्छा स्कोर करते हो तो आप थोड़ा सा एडवांटेज में रहोगे। बट हिंदी मीडियम वाले, जिन लोगों को लगता है कि हम लोग का इंग्लिश वाला पार्ट वीक है, तो ज़्यादा वरी ना करें, बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले जो लोग वर्बल वाले पार्ट को उतने अच्छे से नहीं कर पाते, बट उसके बाद भी वो लोग सुपर्ब स्कोर करते हैं। इतने सारे हिंदी मीडियम वाले लोग अंडर 10 के अंदर आते, अंडर 20 के अंदर आते, उन लोग का वर्वल वाला पार्ट 1-2 क्वेश्चन आते तो वो इग्नोर कर देते, इट्स ओके। बाकी आपके पास 10 या 12 मार्क्स का मैथमेटिकल पार्ट आएगा, 10 मार्क्स का भी मैथमेटिकल पार्ट आएगा, उसको आप अच्छे से कवर करें। और बाकी तो फिर हमारा टेक्निकल पार्ट है जिसको हम अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड लास्ट वाला पार्ट है, इसको स्टार्टिंग से नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा आपके पास। इस सब्जेक्ट, इन दोनों सब्जेक्ट को आप 1 मंथ के अंदर या मेरे को लगता है कि 20-25 डेज में भी इस पूरे पार्ट को कवर किया जा सकता है, अगर आप अच्छे प्लानिंग के साथ अगर इन सब्जेक्ट्स को रेडी कर रहे हो तो बिल्कुल कवर कर सकते हो आप इन सब्जेक्ट्स को।